दोस्तों, जैसे जैसे तुर्की में हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, वैसे ही अब सभी देशों का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब फिर से सबका ध्यान यूक्रेन युद्ध पर जा चुका है, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर काफी सारे डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब सभी देश भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाए ताकि यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जा सके और दोनों देश सीजफायर की तरफ आगे बढ़े और फिर से हालात धीरे धीरे सामान्य हो। ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो रूस को बातचीत की टेबल पर ला सकता है, जिससे यूक्रेन में हो रहे युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और संयुक्त राष्ट्र में भारत एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसलिए जब जर्मनी के चांसलर अपने भारत दौरे पर निकले थे तो भी यह सोचकर आए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वह रूस पर दबाव बनाने के लिए जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पश्चिमी देश मिलकर काफी समय से भारत को मनाने में लगे थे, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत भी अपनी राय रखे और इसको खत्म कराने के लिए कुछ करे, तो अब भारत में भी 193 देशों की बात मान ली गई है और रूस के साथ बातचीत करने के लिए भारत मान गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी गंभीर थी, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये बात खुलकर कह दी कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध के बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही ये बात भी उन्होंने साफ कर दी कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के भारत किसी भी तरह के पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा, इससे भारत को कोई परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जाने बचाई जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही यह चाहते हैं कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे, क्योंकि यह बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल पर पहुंच सकता है तो सिर्फ भारत ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि क्या रूस भारत की बात को मानते हुए क्या इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाता है या फिर रूस इसी तरह से इस युद्ध को जारी रखता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भले ही भारत और चीन की सेना के बीच हाल ही में कोई झड़प देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह का तनाव 2020 के बाद से दोनों देशों की सीमाओं पर शुरू हुआ, उसकी धमक आज भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में महसूस की जा सकती है, जिसके तहत जहां एक तरफ चीन लगातार भारत से सटी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी सैन्य शक्ति का लगातार विकास करने में लगा है ताकि वह चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल कर सके। और ऐसा करने के लिए भारत ने काफी सारे कदम उठाए,
जिसके तहत सबसे बड़ा पहला कदम तो भारत ने यही उठाया कि पिछले 75 सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास नहीं हुआ था उसे भारत से मात्र कुछ ही सालों में कर दिखाया और कई हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ चीन से सटी सीमा के पास ना सिर्फ रोड नेटवर्क को मजबूत किया गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि जरूरत पड़ने पर फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने के लिए भारत के पास एक से ज्यादा विकल्प मौजूद हो, जो चीन भारत विवाद के बीच भारत की दूरदर्शिता को दिखाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत ने चीन से सटी सीमा के पास एडवांटेज हासिल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की तैनाती कर दी जिसके बारे में ना सिर्फ चीन बात कर रहा है बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारत के इस कदम की काफी चर्चा है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत ने अब से कुछ समय पहले ही चीन से सटी सीमा पर तैनात किया था। भारत की इस तैनाती ने चीन के कान खड़े कर दिए क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की किसी दूसरे सिस्टम के मुकाबले काफी यूनिक फैसिलिटी प्रदान करता है। और अब अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है MRSAM, चीन से सटे पूर्वी सेक्टर में अब तैनात कर दिया है, जो अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा लेयर बनाएगा जिसे चीनी वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर तो छोड़ो कोई पांचवी पीढ़ी का फाइटर विमान भी पार नहीं कर सकता, जो कि चीन को यह सोचने पर मजबूर कर चुका है कि कहीं भारत के साथ विवाद बढ़ाकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। क्योंकि जहां एक तरफ साल 2020 से पहले भारत चीन को अपना सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी समझता था, वहीं पर दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई घटना ने सभी भारतीयों के साथ साथ भारतीय सरकार की सोच और पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव लाए, जिसके बाद अब भारत को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि चीन भारत को सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है और हमें इस तरह से चीन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में भारत ने जिस तरह के हथियार और डेवलपमेंट चीन से सटी सीमा के पास करने शुरू किए उसने चीन समेत पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी नीतियों में तुरंत बदलाव करते हुए फायदा उठाना चाहते हैं, जो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या विवाद जीतने का सबसे अहम कदम है। वहीं पर अगर हम बात करें MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसे भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। इस मिसाइल का वजन 250 किलोग्राम का है और यह अपने साथ 60 किलोग्राम के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है, जिससे कि यह किसी भी तरह के हवाई खतरे जैसे कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या यहां तक कि फाइटर जेट को भी तबाह कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की है और इसके हमले से दुश्मन का कोई भी एसेट बच नहीं सकता, जिस वजह से इसे पूर्वी सेक्टर पर तैनात करना भारत का चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।